हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इंपीरिकल फार्मूला। इसे मैं आज सिखाने वाला हूँ थ्री इजी स्टेप में कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। इसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है, ए कंपाउंड कंटेन्स 32.65 ग्राम सल्फर, 65.3 ग्राम ऑक्सीजन एंड 3.2.04 ग्राम हाइड्रोजन, फाइंड इट्स इंपीरिकल फार्मूला। यानी कि ये यहाँ पर जो भी आपको डाटा दिया गया है, इस डाटा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, एटम्स के यानी कि जिस कंपाउंड जितने भी एटम्स दिए गए हैं सभी के मास को लिखेंगे। कौन कौन से एटम दिए गए हैं, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सल्फर का मास नंबर कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का होता है कितना, 16। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ग्राम। ओके, अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम तीनों के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमको पहले से बताया गया है कि मोल कैलकुलेट करने के लिए हम सब्सटेंस के मास नंबर में उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सल्फर का मास दिया है कितना, 32.65। इसका एटॉमिक मास कितना दिया, 32। तो 32.65 में 32 से डिवाइड कर दिया गया। अब बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मास दिया है 65.3 ग्राम। अब हम इसमें क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब तीसरे नंबर पे कौन है हमारा, हाइड्रोजन है। इसका मास दिया है कितना हमको, 2.04 ग्राम, यानी कि 2.04 में डिवाइड करने वाले हैं कितने से, 1 से। ओके, अब क्या करेंगे हम तीनों ही एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सल्फर के मोल के बारे में बात करेंगे, 1.02 आएगा। ऑक्सीजन के मोल के कितने आने वाले हैं, 4.08, और हाइड्रोजन का आने वाला है 2.04। ओके, अब क्या करेंगे कि हम निकालने वाले हैं रेशियो। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों ही मोल की कंपैरिजन करेंगे और इन तीनों ही मोल में जो सबसे छोटा होगा सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में उससे क्या करेंगे, तीनों में डिवाइड करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 1.02 सबसे छोटा है। तो अब इस नंबर से हम तीनों में यानी कि सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड करने पर हमको सल्फर के लिए सिंपल रेशियो क्या मिला, 1 है कि नहीं, ऑक्सीजन के लिए 4 एंड हाइड्रोजन के लिए 2 मिला। अब क्या करेंगे हम सल्फर लिखेंगे, सल्फर के साथ 1, ऑक्सीजन का 4 हो गया और हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 2। अब हम लिखने वाले हैं S यानी कि सल्फर के लिए S लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, O, उसके साथ 4 लगाएंगे, हाइड्रोजन के लिए 2। ठीक है, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, SO4H2। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था मास कंपोजिशन पर बेस्ड था, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा जो है मास कंपोजिशन पर बेस्ड था। और एक क्वेश्चन और बन के आता है एग्जाम में, वो परसेंटेज पर बेस होता है। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि एटम का मास दिया उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके परसेंटेज से भी। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने थ्री स्टेप में सॉल्व किया। पहले स्टेप में हम लोगों ने एटम के एटॉमिक मास को लिखा, सेकेंड स्टेप में जो है तीनों ही एटम्स के हम लोगों ने मोल्स को कैलकुलेट किया, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि जो सबसे छोटा मोल था, नंबर ऑफ मोल था, उससे हम लोगों ने तीनों में डिवाइड किया, और उसके बाद एक सिंपल रेशियो निकालने के बाद सभी एटम के साथ उन सिंपल रेशियो के नंबर को पुट कर दिया और हमारा एम्पिरिकल फार्मूला रेडी हो गया, SO4H2। ओके, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये बेस्ड है किस पर, परसेंटेज कंपोजिशन पर। क्वेश्चन क्या है आइए पढ़ के देखते हैं एक बार, ए कंपाउंड कंटेन्स 65.44% कार्बन। पहले वाले क्वेश्चन में ये ग्राम में दिया था, यहाँ पे परसेंटेज में दिया। ओके, तो और उसके बाद सेकंड क्या है आपका, 5.49% हाइड्रोजन एंड 29.07% ऑक्सीजन है, इसका भी निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसको भी हम सॉल्व करने के लिए उन्हीं तीनों स्टेप को यूज करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम एटम लिखेंगे, कौन कौन से एटम यहाँ दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में क्या दिया है आपको, ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले इन तीनों को लिख लीजिए आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब तीनों का मास नंबर लिख लीजिए, कार्बन का मास कितना होता है आपको अच्छे से पता होगा, 12 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है, 1,
ठीक है, हाइड्रोजन का मास लिख लीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम मोल्स कैलकुलेट करने वाले हैं, तीनों का मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले केस में आप लोगों ने मास में एटॉमिक मास से डिवाइड किया था, यहाँ पे क्या करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन में उसके मास से डिवाइड कर देंगे। यानी कार्बन का मास है 65.44, इसमें 12 से डिवाइड कर दिया गया। ओके, यही सेम काम हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे। तो हाइड्रोजन का मास दिया है 5.49%, उसका परसेंटेज दिया था, उसमें 1 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज है 29.07%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 29.07% लिखेंगे और इसमें 16 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों के मोल को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले कार्बन का मोल निकालेंगे, तो कार्बन का 5.45 आ गया। हाइड्रोजन का निकालेंगे तो 5.49 आ गया, और अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो 1.82 आ गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे रेशियो, और सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम तीनों के मोल को कंपेयर करेंगे, और जिसका मोल सबसे छोटा होगा उससे क्या करेंगे, तीनों में डिवाइड करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल सबसे छोटा है, तो इस नंबर से तीनों में डिवाइड कर दीजिए। ओके, डिवाइड करने पर आपको नंबर मिलने वाला है 2.99 एंड 3.016 एंड 1। ओके, तो अब क्या करेंगे कि इन नंबर्स को राउंड फिगर में लेंगे। पहले के लिए आपका 3 हो गया, हाइड्रोजन के लिए 3 हो गया, ऑक्सीजन के लिए 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिखेंगे और इन सिंपल रेशियोज को उनके साथ पुट कर देंगे। क्या फार्मूला बना, C3H3। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन से भी एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर भी हम लोगों ने उन्हीं तीनों स्टेप को यूज किया जिसे हम लोगों ने पहले यूज किया था। आशा है कि आपके लिए ये ट्रिक काफी यूजफुल रहेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।